नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल व जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बुधवार को निर्माणाधीन योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र गोरखपुर का निरीक्षण किया और महानगर के नाट्यकर्मियों के सुझावों को स्वीकार करते हुए आवश्यक सुविधाएं जोड़ने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को परिवर्तन करने के लिए निर्देशित किया। गौरतलब है कि नगर विधायक ने 15 दिन पूर्व गोरखपुर के सांस्कृतिक कर्मियों के साथ प्रेक्षागृह का निरीक्षण करने के बाद विधानसभा के पटल पर रंगकर्मियों के हित में बन रहे प्रेक्षागृह को लेकर बात रखी थी व लखनऊ में ही सांस्कृतिक विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम तथा सचिव रवि कुमार एनजी से मुलाकात करके उनसे कहा था कि प्रेक्षागृह के सभागार में कुछ आवश्यक परिवर्तन करके उसे सभागार कम प्रेक्षागृह में बदलने की जरूरत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के वी एन पांडियन और नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, क्या नाम है आपका? अमजद अली। बात इनकी समझ लिए? हाँ, वो इसके बीच में कलाकार खड़े रहते हैं। हाँ। फिर आते हैं ये। तो इनका ये कहना है कि वो जो गैप इनके इनके और उसके बीच का गैप है हाँ, वो कम है जो अभी मैनेज किया जा सकता है। जराइए इस पे यार कोई सीढ़ी। देखिए ये अभी तो लगभग तो समाप्ति के तौर पे है और उम्मीद है तो 19 नहीं तो 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इसको लोकार्पण हो जाएगा। कुछ काम तो फिनिशिंग का है, थोड़ा धीमे था हम लोग तो, हम और विधायक जी आए थे यहाँ निरीक्षण किए थे, तेज़ी करवाए और कुछ पॉइंट नोट भी करवाए उसको तो जल्दी कराने के लिए और भी मैन पावर बढ़ाने के बताए थे। उम्मीद है तो 2 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा, उसी दिशा पर जा रहा है। नहीं इसलिए जो यहाँ का रंगमंच वाले के भी लेके आए हैं उन लोग कुछ सुझाव है लाइटिंग का और कुछ एडजस्टमेंट का बात था वो भी तो यहाँ का ठेकेदार का हमने नोट करवा दिया। जो कितने सुझाव है इन लोग का जो करने लायक है उसको भी हम शामिल कराते हुए करा लेंगे। देखिए मैं करीब 15 दिन पहले यहाँ आया था और इन लोगों की आपत्ति थी कि जो छोटा वाला हाल है जो इनके रेगुलर इस्तेमाल में होना है जिसकी कैपेसिटी करीब 400 सवा 400 है वो एक सभागार की तरह है, वो रंगमंच की तरह नहीं है। सभागार को रंगमंच में बदलने के लिए इन्होंने कुछ कमियाँ बताई थी, साइक्लोड्रामा होना, साइड विंग्स होना, एडजस्टेबल लाइट की व्यवस्था होना, बिजली के कंट्रोल सिस्टम होना। तो इसके लिए मैं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम जी से और सचिव रवि कुमार एन जी से लखनऊ में मेरी बैठक हुई थी और उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया था कि आप विधायक जी के साथ जाकर देखें और जो परिवर्तन संभव हो उसको करा लें। आज मैं कलाकारों के साथ आया था, जिलाधिकारी महोदय ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दे दिया है कि 20 तारीख तो हमारा लोकार्पण का कार्यक्रम है। जो 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 ज़रूरतें हमने लखनऊ में बताई थी वही ज़रूरतें यहाँ बताई गई हैं। 20 तारीख के बाद उन ज़रूरतों को एडजस्ट करते हुए हम इस सभागार को एक प्रेक्षागृह के रूप में बदल लेंगे, यही अपना लक्ष्य था और प्रशासन की दृष्टि भी सकारात्मक है, यही उनका भी लक्ष्य है, जिससे कि हम पूर्वांचल के लोगों को एक बहुत बेहतर सर्व सुविधा संपन्न प्रेक्षागृह दे सकें।